क्योंकि बिना ठाकुर जी की कृपा से, कृपा के बिना ये सत्संग नहीं मिलता है। महापुरुष का दर्शन हो जाता है, महापुरुष से सत्संग होता है। पहले हम भगवत भक्ति मार्ग में बचपन से ही हमको भक्त, गांव में भी हमारे भक्त थे, लटे नाम की भक्त थे, उनके साथ हम वो पढ़ाई भी हम उनके साथ करते थे, वो हमको पढ़ाते थे और भक्त थे, बहुत भक्त थे। नित्य प्रति गंगा स्नान करना, भगवत भजन करना, नित्य नियम करना और खान पान शुद्ध खान पान करना और भक्ति मार्ग में लगाते थे और भक्ति ग्रंथ पढ़ाते थे और हमको नियम टेम उन्हें सिखाया है। बचपन से हमारा भक्ति मार्ग पे उन्हें कृपा करी है हमारे गांव में ही, इसलिए उस मार्ग से हम चले। चलते चलते फिर जो है हम एक संत, महापुरुष संत जो भक्त और जंगल में जो भजन करते हैं वो हमारे गांव में आए, उनसे हमारा सत्संग हुआ और उनने वार्तालाप भई और उनके हमने ठिकाना लिया, तो उनने अपना ठिकाना बहुत दूर, दो दिन का रास्ता दूर और जंगल में उनने अपना ठिकाना बताया। वो ठिकाना को हम रखे थे, वो ठिकाना लेकर के हम किसी दिन घर से भाग के हमने बिना बताए घर से चल दिए। चलते चलते और बहुत दूर, दो दिन का रास्ता हम चलते चलते उनके पास एक बीच में एक पंडित जी मिले। उन्होंने कहे चलो हम वहाँ पढ़ाते हैं गंडकी कलादी घाट में, वहाँ चलो, वहाँ तुमको पढ़ा भी देंगे और तुम वहीं चलो हमारे साथ, हम स्कूल में पढ़ाते हैं। बहुत बड़े बढ़िया पंडित, बहुत भक्त वैष्णव, उनसे भेंट हुआ रास्ते में और हमने उनसे कही हम आ जाएंगे आपके पास, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हो करके उनसे मिल के फिर हम आपके पास आ जाएंगे, ऐसा उनसे हमने कहा। फिर उनने बताया कि ठीक है, फिर हम जहाँ जाना था वहाँ गए, संत महात्मा से मिले, कुछ दो तीन एक दो दिन रहे, फिर वहाँ से फिर हम फिर उन्हीं के पास गए, जहाँ वो कहाँ वो गंडकी नदी है, किलादी घाट बोलते हैं, वहाँ पहुँचे। तो पाठशाला में वो पढ़ाते थे, बहुत भक्त पंडित वैष्णव, बहुत भावुक, हमसे बहुत प्यार से रखा, बहुत प्यार से पढ़ाया। फिर उसके बाद हम गंगा स्नान करने जाते थे, गंडकी स्नान करने जाते थे घाट में, नीचे 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो फिर वहाँ से स्नान करते। वहाँ बहुत सुंदर एक आश्रम है केलादी घाट नाम के, वो हमारे भगवत शरण देवाचार्य जी, हमारे गुरुदेव और उनके जो भक्त जो वैष्णव मिलते थे, उनने हमको रास्ता बताया। हमारे महाराज जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उनके पास आओ और उनके सत्संग सुनो और ठाकुर जी राधा माधव का दर्शन करो, ऐसे उनने बताया भक्त लोग वैष्णव। तो बताते बताते हमको नित्य प्रति का, और फिर हम जाने लगे, दर्शन करने जाने लगे। फिर वहाँ सत्संग भी होता था, वहाँ पाठशाला भी है और राधा दामोदर मंदिर किलादी घाट में, वहाँ से जो है गुरु कृपा भाई। फिर जो है हम कुछ दिन रहने के बाद फिर वृंदावन के जो है आने जाने वाले पंडित लोग जो वृंदावन में आते जाते हैं वहाँ गए। फिर वहाँ कुछ दिन रह करके फिर वृंदावन आने को तैयार हुए, फिर हमने सुना उनकी वातावरण, फिर हमको भी वृंदावन जाना है, हम वृंदावन पढ़ेंगे, वृंदावन जाएंगे। फिर हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं भी वृंदावन जाना चाहता हूँ, वहीं पढ़ूँगा। फिर महाराज जी ने फिर ठीक है तुम जाओ इनके साथ। फिर जो है खर्च पानी सब जब व्यवस्था बना दिए, फिर महाराज जी की कृपा से हम वृंदावन आए, फिर वृंदावन में वास करे, वृंदावन में रहे, पाठशाला में पढ़ने जाते थे। फिर करते करते हमको बहुत दिन हुआ, फिर जो है सत्संग में हम जाया करते, फिर श्री जी कुंज बड़ी कुंज श्री जी महाराज, जगत गुरु श्री जी महाराज, निम्बार्काचार्य श्री जी महाराज हैं, फिर वहाँ हम उस आश्रम में जाके रहने लगे। फिर पुजारी जी ने कही कि तुम सेवा में थोड़ा सहयोग करो करो। फिर हम जो नहा धो करके वस्त्र कपड़ा पहन के फिर जो है सुंदर तिलक धारण करके फिर मंदिर में सेवा पूजा में भी हम बहुत दिन सेवा पूजा में रहे, बड़ी कुंज में वृंदावन में।
फिर वहाँ से फिर कुंभ का मेला आया, फिर वहाँ से हम हरिद्वार के कुंभ में पहले तो वृंदावन के कुंभ देखा, फिर उसके बाद हरिद्वार के कुंभ लगता है, फिर हरिद्वार के कुंभ में गए, फिर हम चारों धाम करके फिर वृंदावन आए। फिर वृंदावन आने के बाद फिर हमने प्रणय ले लिया कि अब हम वृंदावन से बाहर ब्रज 84 कोस के बाहर हम नहीं जाएंगे, ऐसे हमारा मन में भाव हुआ। फिर हमने निश्चय किया कि अब हम ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आचार्य हमारे आचार्य ने लिखा हुआ है, रेमन वृंदा विपिन बिहार, वृंदा विपिन सीमा के बाहर हरिहों को ननिहार, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूर धूसर तन या आशा उद्धार। हमारे आचार्यों की वाणी में ऐसा लिखा है कि वृंदावन धाम में वास करो, वृंदावन धाम में जहाँ तक है तो वृंदावन धाम आ करके फिर बाहर जाने के काम नहीं है, क्योंकि तीर्थ व्रत जाने के लिए भी और हमको चारों धाम जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वृंदावन धाम में तो सब तीर्थ हैं, हाँ अनंत कोटि तीर्थ वृंदावन धाम में आते हैं, और प्रयागराज सब तीर्थों के राजा है, वो नित्य प्रति हर साल वृंदावन में आकर के और जो वो अपने पाप को धोके जाते हैं, तो इतना शिव वृंदावन की रज की महिमा है। एक दिन रात में देखा गया काला घोड़ा आया ज्ञान गुदड़ी में और ऊपर नीचे पाम करके और खूब रज में लोटपोट हो रहा था और सब संत दिख रहे थे, देखते देखते वो काला घोड़ा श्वेता सफ़ेद हो गया, सफ़ेद हो गया तो फिर जिस रास्ता आया था उसी रास्ता जाने लगा। फिर सब ने आश्चर्य किया कि क्या है महाराज, क्या देखा हमने, आश्चर्य की बात है। तो फिर उन्होंने जो पुराने संत थे वो पढ़े लिखे थे पुराण में और वाणी में लिखा हुआ है कि प्रयागराज साल को साल यहाँ आते हैं, अपने पाप को यहाँ धो करके रज में लोटपोट करके अपने निर्मल हो करके फिर जाते हैं, हर साल के ये प्रमाण है, उन्हें बताया। वो दृश्य सबने देखा, फिर ऐसे यहाँ के वृंदावन की रज की महिमा है। फिर जो है सब तीर्थ यहाँ वास करते हैं, वृंदावन आने के बाद फिर तीर्थ जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब तीर्थ तो यहाँ